गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास इलेवेंथ के इंग्लिश के सप्लीमेंट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स बाय विलियम शरण। इसका आज हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस में हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो ये बिना देर के स्टार्ट करते हैं विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन। इसके पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट से आप उसे देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाई वाज इट डिफिकल्ट फॉर अरम टू बिलीव द साइट ऑफ हिज कजिन मुराद विद द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, यानी सुंदर सफ़ेद घोड़े के साथ अपने चचेरे भाई मुराद के दृश्य पर अरम को विश्वास करना कठिन क्यों हुआ। तो इसका आंसर होगा, अरम सॉ हिज कजिन मुराद सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, यानी अरम ने अपने चचेरे भाई मुराद को एक सुंदर घोड़े पर बैठे हुए देखा। अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन देयर मुरास एंड हॉर्स आइज डिलाइटेड हिम, यानी उनकी यानी मुराद व घोड़े की आंखों में एक पवित्र सी शांति तथा विनोद ने उसको आनंदित कर दिया। ही वॉज अफ्रेड टू थिंक दैट मुराद माइट हैव स्टोलन द हॉर्स, वह यह सोचकर भयभीत हुआ कि शायद मुराद ने घोड़े को चुराया हो। इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड जॉन बैरो टेल अरम्स मदर एंड अंकल खुसरो व्हेन ही गॉट हिज हॉर्स बैक, यानी जब जॉन बैरो को उसका घोड़ा वापस मिल गया तो उसने अरम की माँ तथा चाचा खुसरो को क्या बताया। तो इसका आंसर होगा, गेटिंग हिज हॉर्स बैक जॉन बैरो वॉज वेरी हैप्पी, यानी घोड़े को पुनः प्राप्त करने के बाद जॉन बैरो बहुत खुश था। ही टोल्ड अरम्स मदर एंड अंकल खुसरो दैट हिज हॉर्स वॉज नाउ स्ट्रॉन्गर एंड बेटर देन बिफोर, उसने अरम की माँ तथा चाचा खुसरो को बताया कि उसका घोड़ा पहले से अधिक ताकतवर और अच्छा हो गया है। ही आल्सो नोटिस्ड दैट इट वॉज वेल टेम्पर्ड देन ईवर, उन्होंने यह भी देखा कि वह पहले से कहीं अधिक संयमी हो गया था। इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट फीलिंग डिड द साइट ऑफ कजिन मुराद एंड द हॉर्स अराउज इन द नैरेटर्स, यानी कथाकार का उसके चचेरे भाई मुराद व उसके घोड़े के दृश्य में क्या महसूस हुआ। तो इसका आंसर होगा, व्हेन अरम सॉ हिज कजिन मुराद सिटिंग ऑन अ व्हाइट हॉर्स अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर वर देयर इन हिज आइज, यानी अरम ने अपने चचेरे भाई मुराद को एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठे हुए देखा तो उसकी आंखों में एक पवित्र सी शांति व विनोद था, यानी विनोद मतलब खुशी थी। ही कुड नॉट थिंक दैट मुराद हैड स्टोलन द हॉर्स, वह सोच भी नहीं सकता था कि मुराद ने घोड़े को चुरा लिया है। अरम न्यू दैट मुराद वॉज अ मेम्बर ऑफ गरोघेलेनियन फैमिली दैट वॉज वेरी पुअर, अरम जानता था कि मुराद गरोघेलेनियन परिवार का सदस्य था जो कि बहुत ही गरीब था। इट वॉज बियॉन्ड हिज इकोनॉमिक रीच टू परचेज सच ए ब्यूटीफुल हॉर्स, इतना सुंदर घोड़ा खरीदना उसकी आर्थिक क्षमता से बाहर था। सो ही थॉट देन मुराद माइट हैव स्टोलन इट, इसलिए उसने सोचा कि मुराद ने उस घोड़े को अवश्य चुराया होगा। इसमें फोर नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डज द नैरेटर मेंशन अंकल्स खुसरो, यानी कथाकार ने अपने चाचा खुसरो को सम्मिलित क्यों किया है। विच कैरेक्टरिस्टिक्स फ्यूचर ऑफ द मैन आर हाइलाइटेड, व्यक्ति की कौन सी विशेषता यहाँ मुख्य रूप से दर्शाई गई है। तो इसका आंसर होगा, कजिन मुराद सिम्ड टू इनहेरिट द क्रेजी स्ट्रीक ऑफ अंकल्स खुसरो, यानी चचेरे भाई मुराद को चाचा खुसरो की पागल प्रवृत्ति विरासत में मिली थी। ही वॉज अ बिग मैन विथ अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, यानी वह एक बड़ा आदमी था जिसके सिर पर काले बाल थे एंड वेरी लार्ज मुस्टाच, और बहुत लंबी मूछें थीं और बहुत बड़ी मूछें थीं। ही वॉज क्यूट फ्यूरियस इन हिज टेम्पर, वह अपने स्वभाव में काफ़ी उग्र, वेरी इरिटेबल बहुत ही चिड़चिड़ा एंड इम्पेशेंट और बहुत ही अधीर था। ही वुड स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग हिज फ्रेज, वह गर्जना करके किसी को भी बात करने से रोक देता था। इट इज नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट, और कहता था कि इसमें कोई नुकसान नहीं है इस पर कोई ध्यान न दे। फाइव नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड अरम द नैरेटर फेयर इन हिज सोलो राइड, यानी कथाकार अरम ने अपनी सवारी का किस प्रकार वर्णन किया है। तो इसका आंसर होगा, द नैरेटर हैड अ ब्राइटफुल एक्सपीरियंस व्हेन ही रोड द व्हाइट हॉर्स अलोन, यानी
कथावाचक को एक सुखद अनुभव हुआ जब उसने अकेले सफेद घोड़े पर सवारी की। ही लिप्ट टू द बैक ऑफ द हार्स बट ही डिड नॉट मूव। उसने घोड़े की पीठ पर छलांग लगाई लेकिन वह नहीं हिला। एज एडवाइज्ड बाय मुराद ही किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, इट रियर्ड एंड स्नॉर्टेड। मुराद की सलाह के अनुसार उसने घोड़े की मांसपेशियों में लात मारी, वह पिछले पैरों पर खड़ा हुआ और हिनहिनाया। देन ही बिगेन टू रन, फिर वह दौड़ने लगा। इट रैन डाउन द रोड टू द विनयार्ड एंड बिगेन टू लीप ओवर द सेवेंथ वाइन द नरेटर फेल। वह अंगूर के बाग की तरफ भागने लगा और जैसे ही सातवीं बेल के ऊपर छलांग लगाना शुरू किया, कथावाचक गिर गया। द हार्स कंटिन्यूड रनिंग, घोड़ा दौड़ता रहा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।